महानगर की सभी सड़कों पर मंगलवार को भी सन्नाटा पसरा रहा। इस दौरान महानगर में अन्य जनपदों से आ रही गाड़ियों का नंबर नोट किया गया और यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग की गई और अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों को पुलिस द्वारा एक एक मीटर की दूरी के घेरे में बैठाकर सजा दी गई और लोगों से अपील की गई कि वह घरों में रहें और लॉकडाउन का पालन करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, लॉकडाउन का पालन करें, अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें, बिना मास्क बिना पास के पाए जाने पे आपके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। हमें सबका नाम याद है, हम सबको जान रहे हैं कि हमारे पुस्तकों को हमारे स्वयं से अनावश्यक आप रोड पे ना निकले, जब भी आपको आवश्यकता पड़े तो मास्क लगा के निकले, बिना मास्क के घरों से ना निकले, मास्क का प्रयोग जरूर करें, बिना मास्क के आप बाहर ना निकले। बीमारी बढ़ती जा रही है, बहुत चिंता का विषय है हम आपके लिए, कृपया करके इस बीमारी से बचें, लॉकडाउन का पालन करें, तभी हम आप बीमारी से बच सकते हैं। समय समय पर अपने हाथों को जरूर धुलते रहें, विशेष बात होने पर आप राजघाट पुलिस को कॉल करें अन्यथा 112 कॉल करें, राजघाट पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आप एनी टाइम कभी भी राजघाट पुलिस को आवश्यकता पड़ने पर कॉल कर सकते हैं, स्थानीय चौकी इंचार्ज को कॉल करें या सीधे मुझे कॉल करें, लेकिन लॉकडाउन का पालन अवश्य करें। लॉकडाउन के पालन करने से ही हम बीमारी से बच सकते हैं, कृपया करके पालन जरूर आप करें। लॉकडाउन को लेकर शहर में 100% कंप्लायंस कराई जा रही है। कतिपय लोग जो इधर उधर बिना आवश्यकता के निकल रहे हैं उनको पुलिस के द्वारा कस्टडी में लिया जा रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सर बैठाया जाता है, हाँ उनको भी बैठा के और उनके खिलाफ लिखा पढ़ी करके उन्हें छोड़ा जाता है। बस यही है, घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपना अपने परिवार का ध्यान रखें, जीवन की सारी आवश्यकता की वस्तुएं जैसे राशन है, दवाएं हैं, पानी है और सब्जी है, ये सब आपके दरवाजे दूध पहुंच रहा है। घरों में सुरक्षित रहें और किसी भी तरह से कोरोना को फैलने से रोकना ही उद्देश्य है।